हरियाणा प्रदेश का पिछड़ा जिला नूह अब तीसरी आंख की जद में होगा। जिला नूह पुलिस को दर्शम केंद्र की मिली सौगात, अब तीसरी आंख की जद में होगा पूरा जिला। श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा जिला नूह में दर्शम केंद्र का किया उद्घाटन। आईपीएस एवं तकनीक के माहिर श्री वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नूह ने दिया विभाग को नया आइडिया। श्री मनोहर लाल सीएम हरियाणा सरकार, श्री राजीव अरोड़ा गृह सचिव, पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा, श्री आलोक मित्तल एडीजीपी सीआईडी हरियाणा के सहित तमाम आला अधिकारियों ने एसपी साहब के कार्य की सराहना। प्रदेश का जिला नूह अब तीसरी आंख की जद में हर पल रहने वाला है। पुलिस विभाग नूह द्वारा जिला सचिवालय की तीसरी मंजिल पर एसपी कार्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस दर्शम केंद्र कंट्रोल रूम में अब हर हरकत पर नजर रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा बड़ी एलईडी लगाई गई है। अभी जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 40-60 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, बल्कि जिले के मुख्य चौक चौराहे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 40 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने कहा कि इस दृश्यम कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाने के लिए जो भी उपकरण खरीदने हैं उनमें धन की कमी का रोड़ा नहीं बनेगी। खास बात यह कि सीएम ने जिले में हुई इस पहल की वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नूह के कार्यशैली की सराहना की। एसपी वरुण सिंगला ने कहा कि सीएम मनोहर लाल एवं राजीव अरोड़ा गृह सचिव ने कहा कि इस दृश्यम केंद्र को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इसका प्रपोजल बनाकर भेजो, धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में श्री वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नूह ने कहा कि 35 लाख की लागत से अभी तक इस हाईटेक दर्शन केंद्र पर आई है, जिसे उद्योगपति एवं समाज सेवियों के सहयोग से लगाया गया है। आपको बता दें कि दर्शन केंद्र नूह में 8 एलईडी लगाई गई है। पुलिस विभाग ने इसके लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें 40 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसका सारा नजारा इस कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस अधिकारी व कर्मचारी ही नहीं बल्कि जिले के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला अपने मोबाइल पर सीधा देख सकते हैं। इन कैमरों के जिले में हर हरकत पर 24 घंटों निगरानी रहने वाली है। कैमरों की खास बात यह कि 7 किलोमीटर तक दिन रात ये कैमरे हर हरकत को कैद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 100 मीटर तक किसी भी चीज को जूम कर उनका सही आंकलन किया जा सकता है। प्रत्येक कैमरे की कीमत तकरीबन 30,000 रुपए है, जिस कंपनी एमके सीसीटीवी द्वारा लगाया गया है। जिले को अपराध मुक्त करने तथा हर हरकत को नजर रखने के लिए ये योजना जिले की पुलिस अधीक्षक तेज तरार आईपीएस अधिकारी श्री वरुण सिंगला ने बनाई है। इसके अलावा इन कैमरों की लोकेशन जिधर चाहे उधर ही बैठे कंट्रोल रूम में बदला जा सकता है। हरियाणा में इस तरह के काम करने वाला नूह अकेला जिला है। इन कैमरों में किसी तरह की केबल का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि वाईफाई तकनीक से इन कैमरों को ऑपरेट किया जाएगा। कुल मिलाकर जिले में या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या जिले की सीमा से बाहर चले जाएं, वरना अब खाकी ही नहीं बल्कि तीसरी आंख की नजर भी हल पर उन पर रहेगी। इन कैमरों की वजह से खाकी अब बदमाशों के गिरबान तक आसानी से पहुंच पाएगी। नूह जिले में ये शुरुआत हो चुकी है कि दृश्यम केंद्र के थ्रू हम पूरे जिले की मॉनिटरिंग एक ही जगह से कर सकते हैं। हमने कुल पूरे जिले में 44 पीटीजे कैमरे लगाए हैं जो कि सभी मुख्य चौकों पे लगे हुए हैं और उनके जरिए हम हर चीज को, हर व्हीकल को, हर इंसान को बारीकी से चेक कर सकते हैं और इसके जरिए क्राइम की रोकथाम में, उसकी पकड़ने में, क्रिमिनल्स को पकड़ने में काफ़ी सफलता मिलेगी हमें। उसके अलावा जो एक्सीडेंट केसेस होंगे उसके अंदर जो व्हीकल्स एक्सीडेंट करके हिट एंड रन करके भाग जाते हैं उनको पकड़ने में हमें काफ़ी सफलता मिलेगी और इसके अलावा हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के अंदर भी हमें काफ़ी सफलता इससे मिलेगी जी। इस पर अभी इसमें लागत हमारी 35 लाख रुपीस की आई है अभी तक, जो कि हमारे यहाँ के समाज सेवी और इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों ने जो डायरेक्ट वेंडर को पेमेंट करके और हमारे को इसमें इसको इंस्टॉल करवाया है। इसमें पुलिस विभाग की तरफ से फिलहाल कोई पैसा नहीं लगा है, लेकिन जैसा कि सीएम साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे ACS होम ने जैसा कहा है कि इसका एक पूरा प्रोजेक्ट बनाकर और इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए हम एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको सरकार की अनुमति के लिए भेजेंगे और उसके बाद इसमें और कैमरे भी एड ऑन किए जाएंगे।